Hello guys, hi, welcome to Roy Digital, and this is Hrishikesh Roy once again with a new topic and continuation of the series of online earning 2020. Guys, आज मैं आपको इसका सीरीज इसका सीक्वेंस है वो बताने वाला हूँ. गाइज, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कैसे fever.com से आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को अपने घर में बैठ के ले सकते हैं और ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर ये जो आई बटन है गाइज इसको क्लिक करो और अभी के अभी वो वीडियो देख लो, सो दैट उसके बाद आप इस पे आओगे. और इसके ही सीरीज में मैं और बहुत सारे वीडियोज बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको क्लियर तरीके से ये बताऊंगा How you can make money online in 2020. तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. गाइज आज के सेशन में मैं मेजरली फोकस करूंगा कि ये जो आप फ्रीलांसिंग करोगे ये किस चीज के लिए कर सकते हो. सबसे इजिएस्ट वे फ्रीलांसिंग का जो आप कर सकते हो गाइज दैट इज नोन एज लोगो मेकिंग. हम सब जानते हैं गाइज लोगो क्या होता है. लोगो होता है किसी ब्रांड का कोई भी एक ऐसा सिंबल जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करे ऑन एनी ग्राफिकल प्लेटफॉर्म, लाइक फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड, पैम्फलेट, वेबसाइट्स और फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, हर जगह उस सिंबल को यूज किया जाता है एज अ ब्रांड लोगो. तो गाइज हर कंपनी या हर एक छोटे से छोटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का बिजनेस हमेशा चाहता है कि उसका अपना एक लोगो हो. अब लोगो जो होता है गाइज ये हर किसी के बस की तो होती नहीं है कि कोई भी बना ले. मुझे लोगो बनाना नहीं आता. क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस मैन हूं, मुझे लोगो बनवाना है. अब बनवाने के लिए मैं या तो किसी फ्रीलांसर को हायर करूंगा या फिर मैं किसी को बोलूंगा कि कोई मुझे फ्रीलांसर दे जो कि मेरे लिए लोगो बनाए. राइट अब गाइज इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं. एक्वायर करना कैसे है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया है, जरूर देख लेना. आज मैं बताऊंगा गाइज हर बंदा लोगो बना सकता है, आप भी बना सकते हो. और एक बार आपने अगर लोगो बनाना सीख लिया तो आई कैन बेट ऑन इट गाइज कि आप लोगो बना के घर में बैठ के डेली के हजारों रुपए अर्न कर सकते हो इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स दोनों से. गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में. मैं आपको तीन मेजर स्टेप्स के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोफेशनल लोगो बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर जो हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे दैट विल बी द इजिएस्ट प्लेटफॉर्म canva.com. गाइज canva.com एक फ्री कम प्रीमियम ऑनलाइन पोर्टल है जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, जिसके लिए आपको कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप नहीं चाहिए कि आपको एडोबी का फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने के लिए जो हाई कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप चाहिए तो वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं canva.com पे जाके. अगर आपको प्रोफेशनली लोगो डिजाइन करना है तो गाइस ध्यान रखना इसका प्रीमियम वर्जन लेना थोड़ा जरूरी है, अदरवाइज फ्री वर्जन में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्री वर्जन से आप स्टार्ट जरूर कर सकते हैं. तो गाइज आइए चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और इसका जो इजिएस्ट मेथड है और वो क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप भी लोगो बना सकते हैं किसी के लिए भी, अपने लिए भी और इस दुनिया में किसी भी ब्रांड के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. अब मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कैनवा ओपन रखा है. एज यू कैन सी दैट कैनवा मेरे सामने ओपन है. अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगेगी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू google.com सबसे पहले और मैं यहां पर लिखने वाला हूं ओला लोगो. गाइस अब ओला लोगो से आपको क्या पता लग रहा है कि ये एक ऐसा सिंबल है जो कि ओला के हर प्लेटफॉर्म पे यूज होता है एज अ ओला को सिंबलाइज करने के लिए. सो गाइज अब ओला ने इस लोगो को क्यों चूज किया है अपने ब्रांड को सिंबॉलिक करने के लिए. तो गाइज उसके पीछे एक रीजन है. ये एक टैक्सी सर्विस है. क्या आपको ओला के इस पर्टिकुलर लोगो के अंदर टैक्सी रिलेटेड कोई भी चीज नजर आ रही है? थोड़ा ध्यान से देखो, आ रही है. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको आ रही है. गाइज सबसे पहले जो वो ओला का जो वो आइकन है गाइज दैट इज अ टायर व्हील, मतलब टैक्सी का व्हील जो कि ओला आपको प्रोवाइड करता है टैक्सी के फॉर्म में. मतलब ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेगी. और प्लस गाइस ओला का जो कलर उसने चूज किया है दैट इज ब्लैक एंड येलो, जो कि टैक्सी का कलर होता है ब्लैक एंड येलो. राइट तो मैं धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूं और चीजों को समझाता जा रहा हूं. सबसे पहले जो उसने फोकस किया गाइस एक लोगो के अंदर वो है उसका एक आइकन, एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री आइकन जो उस इंडस्ट्री को समझने में हेल्प करता है. प्लस उसने कलर जो ब्रांड कलर लिया है वो भी कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है कि टैक्सी के कलर्स क्या होते हैं. तो उसने टैक्सी के कलर्स को आपके यहाँ पर लोगो में अपना एम्बेड किया है सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट द टैक्सी इंडस्ट्री. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है एक लोगो के अंदर, ये सारे कॉम्पोनेंट्स बता रहा हूँ मैं, लिख के भी दिखाऊंगा बट ये कॉम्पोनेंट्स पहले आप सुन लो.
थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइज वो होता है किसी भी लोगो में किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट। अगर आपके लोगो के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट मतलब होता है कैरेक्टर्स, तो गाइज उसका फॉन्ट जो है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ एक फॉन्ट लिख दिया और दूसरे दिन किसी दूसरे फॉन्ट पे लिख दिया, गाइज बिल्कुल भी नहीं। लोगो में अगर टेक्स्ट है तो वो फॉन्ट थ्रू आउट एनी लोगो, चाहे आप जितने मर्जी बार बनाओ, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओला को आज इस तरीके से लिखा गया है तो नेक्स्ट टाइम ओला OLA लिखना है तो जैसे मर्जी लिख दो, ऐसा नहीं होता है गाइज। तो ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो गाइज वो तीन चीजें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नंबर वन कि मीनिंगफुल एक आइकन होना चाहिए, जैसे कि ओला के केस में वो टायर है। सेकेंड, ओला का फॉन्ट, अगर उसके अंदर टेक्स्ट है तो उसका फॉन्ट कैसा होना चाहिए। और थर्ड, ब्रांड कलर। और फोर्थ जो है गाइज, टेक्स्चर दैट कुड बी ऑप्शनल। टेक्स्चर क्या है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं गाइज, ये जो ओला का जो टायर है इसके अंदर व्हाइट कलर के पैचेस बने हुए हैं, ताकि ये दिखा रहा है कि ये जो टायर है इट इज मूविंग, इट इज रनिंग। तो उस केस में टेक्स्चर जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं चाहो तो भी देखे आप उसे सिर्फ टायर दिखा सकते थे। तो गाइज ये चार चीजों का ध्यान रख के आप किसी भी दुनिया में ब्रांड का लोगो बना सकते हैं। तो आइए चलिए इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गाइज प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके लिए लॉस होगा। और सेशन को अभी लाइक कर दो, अगर सेशन में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। एंड देन इस पर्टिकुलर सीरीज पे मैं वीडियो कंटिन्यूअसली बना रहा हूं क्योंकि 2020 आने से पहले मैं चाहता हूं कि नए साल से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। तो गाइज कैनवा का मेरा ये जो है ये एक प्रीमियम वर्जन है और प्रीमियम वर्जन पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं कि कैसे करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आज मैं एक रेस्टोरेंट के लिए गाइज एक रेस्टोरेंट लोगो बनाऊंगा गाइज, रेस्टोरेंट के लिए। तो रेस्टोरेंट के लिए मुझे तीन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन गाइज क्या है, मीनिंगफुल आइकन होना चाहिए। उसका फॉन्ट मुझे फिक्स रखना है कि एक बार फॉन्ट अगर फिक्स हो गया मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। और मैं उस पर्टिकुलर कंपनी से पूछूंगा कि आपका ब्रांड कलर क्या है। तो अभी मैं तीनों चीजों को यहां पर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे यहां पर एक लोगो का टेम्पलेट चाहिए होगा। कैनवा पे मैं लोगो पे जाऊंगा तो गाइज यहां पर आपको दिख रहा है कि इसने बहुत सारे टेम्पलेट आपने दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक काइंड ऑफ रेस्टोरेंट का ही लोगो का टेम्पलेट है, बट मैं यहां पर ब्लैंक लूंगा। गाइज आप इनिशियल डेज में ब्लैंक मत लेना, आप इनिशियल डेज में टेम्पलेट ले लेना। बट जहां की मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं ब्लैंक इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको जीरो से चीजों को समझ आए कैसे करना होता है। गाइस सबसे पहले मुझे लेना है आइकन इस ब्लैंक पेज के अंदर। तो गाइस मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर एलिमेंट्स में जाना है और एलिमेंट्स के अंदर मुझे यहां पर लिखना है फूड, फूड करते एंटर। गाइस अब यहां पर आपको बहुत सारे फूड से रिलेटेड जो आइकन्स हैं वो मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट। सो गाइस आप मुझे एक बढ़िया सा आइकन चूज करना है, लाइक दिस आई कैन चूज इट। तो मैंने इसको एज एन आइकन ले लिया। तो गाइस अब ये फूड से रिलेटेड आइकन आपको लग रहा है ना, Of course, it belongs to the food. अब मुझे क्या करना है गाइज, मैंने आइकन चूज कर लिया है। गाइज अब मुझे लेना है फॉन्ट, राइट? अब फॉन्ट के लिए मुझे क्या करना है गाइज, मुझे यहां पर टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट पे मुझे जाना है फॉन्ट, यहां से पहले सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं कुछ भी इस ब्रांड का नेम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूंगा फॉक्स फूड्स, फॉक्स फूड्स एक ब्रांड का नाम दे दिया मैंने एग्जाम्पल। नाउ गाइज अब ये मेरा फॉन्ट बहुत सिंपल है, लेट मी जस्ट गो एंड शो यू कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको क्या करना है गाइज, आपको सिंपल अपने यहां पर सर्व करना है पूरे फॉन्ट गैलरी को और देखना है गाइज कौन सा फॉन्ट जो है बहुत ज्यादा आपको यहां पर अट्रैक्टिव लगने वाला है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने मैंने ABYS को एक फॉन्ट है जो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइज क्या आपको लग रहा है कि ये फॉन्ट जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए? अगर आपको लग रहा है कि हाँ है तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू अगेन सेलेक्ट इट एंड गो बैक एंड चेक द रेस्ट ऑफ द अदर फॉन्ट्स व्हिच इज अवेलेबल हियर। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग गाइज, लेट मी चेक फ्यू ऑफ देम मोर एंड नाउ फॉक्स फूड्स, इसमें भी मुझे कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा कि अट्रैक्टिव है। लेट मी जस्ट गो एंड चेक फ्यू मोर वन, और थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ से। So no, this is not again, I'm liking it. Let's go and check this one, Fox Foods. Okay, तो गाइज अब मुझे लग रहा है कि ये वाला भी फिलहाल मैं ले लेता हूँ एज अ ब्रांड फॉन्ट, ठीक है? तो फॉक्स फूड्स यहाँ पर ले लिया है। अब थर्ड जो है गाइज वो मेरे लिए है ब्रांड कलर। अब ब्रांड कलर मैं चाहता हूँ कि ये रेड एंड ब्लैक के अंदर हो सब कुछ। तो गाइज रेड एंड ब्लैक के लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बट ये जो ग्रीन कलर का जो सर्कल है आई वॉन्ट टू मेक इट रेड, मुझे रेड एंड ब्लैक के अंदर इस पूरे लोगो को फ्लरिश करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है गाइज, सबसे पहले मुझे ये ग्रीन कलर का जो सर्कल दिख रहा है This is this one, so I can keep it red like this. And ये भी dark green है तो मैं इसको क्या करूँगा guys, मैं इसको light black कर दूंगा like this.
तो एज यू कैन सी दैट, या फिर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा. तो गाइज नाउ ये मेरा जो ब्रांड कलर के अकॉर्डिंग आइकन मैंने ले लिया है, और अब मुझे देखना है कि मुझे इस फॉक्स फूड्स को कहाँ लगाना है सो दैट इट कैन लुक अमेजिंग. सो गाइज अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉक्स फूड को यूज़ कर रहा हूँ, एंड लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ. गाइज इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो ये लोगो बनाने का जो टेक्निक है वो आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा. गाइज एक ये तो लोगो हो सकता है, जैसे कि ये हॉरिजेंटल लोगो हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर यू कैन कीप इट लाइक दिस एंड आप इसको यहाँ पर एज अ स्क्वायर लोगो बना सकते हो. फॉक्स फूड्स को ऐसे भी लिख सकते हो, और बहुत सारे तरीके हैं गाइज फॉक्स फूड्स को लिखने का. लेट मी जस्ट डू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल Let me just check this. ये चीज possible है या नहीं है. Okay, no, it is not like that. ये इसमें अच्छा नहीं लगेगा. हमेशा icon जो है वो text से ऊपर होना चाहिए. तो let me just go like this. और थोड़ा सा icon को इसको बड़ा कर लेते हैं like this. ओके गाइज इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को फ्री में बना सकते हो. आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि लोगो एक ही कॉम्बिनेशन का बनना है. एक ये बन गया, एक ऊपर, एक साइड में, और डिफरेंट डिफरेंट आइकन के साथ भी बनाना है आपको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आइकन के साथ बनाओगे तो ही आपको क्लाइंट को जब आपको दिखाना है कि मैंने ऐसे बनाया है तो क्लाइंट उसमें से चूज करता है कि हाँ मुझे ये वाला चाहिए. राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो कि ये फॉक्स फूड्स का एक अलग फॉन्ट बन गया है, ये भी अच्छा लग रहा है. तो गाइज इस तरीके से जब आपका फाइनल हो जाए, आपको बहुत सारे बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये बन गया, सेकेंड मुझे इसको डुप्लीकेट करना है ताकि ये सेम चीज आ जाए. अब मैं इसका डिफरेंट एक फॉन्ट ले लेता हूँ, एंड लेट्स गो एंड चेक डिफरेंट फॉन्ट्स हियर. ओके, एंड ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं. एक ये हो गया, एंड एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं गाइज. इस तरीके से मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, मैं बहुत सारे इसके वेरिएंट्स बना रहा हूँ सो दैट इस ब्रांड के क्लाइंट को जब भी अप्रोच करूँ तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ना हो, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सेलेक्ट करने के लिए कि ओके कौन सा उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिसाइड उसको फाइनल करना है. तो मैंने वही करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा रहा हूँ. ओके, लाइक दिस, एंड इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हो. और सिर्फ आप गाइज जो ये ऑल्टरेशन है या फिर जो आप वेरिएशन बना रहे हो, सिर्फ टेक्स्ट में ही नहीं, आप जहाँ पर अपने इसमें भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आइकन में भी कर सकते हो. अभी मैं आइकन का भी दिखा दूंगा आपको. अभी एक लास्ट इस पर ले लेते हैं फॉक्स फूड्स. अब मैं एक और बनाऊंगा जिसमें आइकन के ऊपर मैं वेरिएशन दूंगा. राइट, अब आइकन को चेंज करने के लिए गाइस व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट अगेन गो टू द एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट के अंदर फूड से रिलेटेड फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस. अब मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो गाइस नाउ दिस बिकम माई अनदर लोगो कॉपी. अब मैं इस नए आइकन को एक नए फॉन्ट के साथ मैं इसको एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं गाइस, लाइक दिस. राइट, नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट अगेन इसके साथ, मेरे टेक्स्ट के साथ, एंड लाइक दिस. वेल गाइज वंस यू आर हैप्पी, ये तो बहुत ईजी तरीका बताया मैंने, बहुत ईजी तरीका. इस तरीके से आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, बहुत सारे वेरिएशन बनाओगे, और वंस यू विल बी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड के अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि लोगों के अंदर और क्या क्या करना चाहिए. और जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा गाइज, यू विल बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट लोगो मेकर इन द एंटायर fever.com. राइट, तो गाइज इस तरीके से अब आप लोगो बनाने की प्रैक्टिस जल्दी से स्टार्ट कर दो. canva.com सबके लिए फ्री है, फ्री में प्रैक्टिस करो. जब आपको लगेगा कि नाउ आई नीड अ प्रीमियम वर्जन, सिर्फ आपको $12 मतलब $11.99 जो कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 800 या 900 रुपए होता है, यू जस्ट नीड टू स्पेंड इन एंटायर मंथ. और पूरे मंथ में अगर आपने 10
लोगो भी बना दिए जिसकी कॉस्टिंग आप इनिशियल फॉर एग्जांपल डेज में 500 रुपए ले रहे हो, तो 5000 रुपीज आप इजीली अर्न कर सकते हो इनिशियल डेज में। और जिस दिन आप बहुत बड़े लोगो मेकर बन जाओगे और आपके फीवर के अंदर आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक करना स्टार्ट कर देगा, देन आई कैन बेट ऑन इट एक से दो लोगो मिनिमम प्रोजेक्ट आपको डेली बेसिस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको यकीन होगा कि एक्चुअली में फ्रीलांसिंग से हम कितना अर्न कर सकते हैं। क्या सेशन कैसा लगा जरूर बताना मुझे, क्योंकि कमेंट में आप बताओ कि आपको ये वाला सेशन में और एडवांस कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन दैट वे। और सेकंड गाइस, आपको सेशन कैसा लगा वो भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सीरीज अगर बना रहा हूं तो मुझे मोटिवेशन चाहिए। आपके कमेंट्स मुझे ऐसा फील कराएंगे कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को उसका बेनिफिट भी हो रहा है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज व्हिच इज ऑनलाइन अर्निंग 2020, और हम इस तरीके के और भी ढेर सारे ऑप्शन आपके लिए ला रहे हैं जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और आप बहुत सारा कैश अर्न करना शुरू कर दोगे। आई होप गाइज द सेशन वॉज गुड, प्लीज मेक श्योर लाइक अभी तक जिसने अभी तक नहीं किया है लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर नए हो बेल आइकन के साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।